गोविंदा, इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार जिन्होंने सालों तक इस इंडस्ट्री में टॉप की पोजीशन पर रूल किया। इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने से पहले वाले एक्टर्स, फिर भले ही सनी देओल हो, संजय दत्त हो, जैकी श्रॉफ हो या फिर अनिल कपूर हो, इनको भी टफ कंपटीशन दिया। इसके अलावा इनके बाद वाले एक्टर्स यानी कि शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, इन सबके बीच में भी टॉप की पोजीशन पर रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोविंदा को इंडस्ट्री में ब्रेक मिला मिथुन चक्रवर्ती के कारण? जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती ही वो सुपरस्टार है जिनके कारण वसाई का एक लड़का जो कभी बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करता तो कभी और जॉब्स करता था, वो बना इंडस्ट्री का सुपरस्टार। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताऊंगी कि कब गोविंदा स्टार बने, क्यों मिथुन के कारण गोविंदा को स्टारडम मिला और कैसे गोविंदा का स्टारडम आगे चलकर खुद मिथुन पर भारी हुआ। ये बात है 80s की। मिथुन चक्रवर्ती पॉपुलर एक्टर थे, 5-5 शिफ्ट्स में काम करते थे, सब तरफ मिथुन चक्रवर्ती की डिमांड थी। इनफैक्ट प्रोड्यूसर कहते थे कि मिथुन का एक डांस फिल्म में जरूर होना चाहिए। मिथुन कॉमेडी करते थे, मिथुन डांस करते थे, मिथुन एक्शन करते थे, मिथुन रोमांस करते थे। मिथुन ने अपने लिए एक अलग ही फैन फॉलोइंग उस दौरान क्रिएट कर दी थी। इसी टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती एक फिल्म कर रहे थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे पहलाज नलानी। मिथुन के साथ साथ इस फिल्म में हेमा मालिनी, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा भी थे और इस फिल्म का नाम था आंधी तूफान। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही पहलाज नलानी को मिथुन काफी अच्छे लगे और उनके साथ बातचीत भी हुई, तो लगे हाथों एक दिन सेट पर पहलाज नलानी ने मिथुन को एक फिल्म की स्टोरी सुनाई और पहलाज ने कहा कि मैं इस फिल्म में तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती को भी उस टाइम पहलाज की उस फिल्म की स्टोरी काफी पसंद आई और उन्होंने कहा कि जरूर करेंगे। मिथुन ने उस दिन हाँ तो कर लिया इस फिल्म के बारे में, लेकिन उसके बाद इस फिल्म को लेकर मिथुन कभी सीरियस ही नहीं दिखाई दिए। उसके पीछे कारण ये था कि मिथुन के पास टाइम नहीं था। एक साथ 5 से 7 फिल्में मिथुन चक्रवर्ती उस दौरान किया करते थे और 5-5 शिफ्ट्स में काम करते थे, इसीलिए पहलाज की फिल्म के लिए मिथुन टाइम नहीं निकाल पाए। हालांकि इसके पीछे एक और कारण ये है कि ये जो फिल्म थी इसमें मिथुन अकेले सिंगल हीरो नहीं होने वाले थे, उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी स्क्रीन शेयर करने वाले थे। ये भी एक कारण था कि मिथुन इस फिल्म को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, क्योंकि दूसरी जो फिल्में मिथुन चक्रवर्ती इस दौर में कर रहे थे वो सिंगल हीरो वाली फिल्में थी। लेकिन ये बात मिथुन पहलाज नलानी को सीधे सीधे मुंह पर कैसे कहे, इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती ने पहलाज नलानी की इस फिल्म को टाइम ही नहीं दिया। पहलाज नलानी ने इस फिल्म के लिए मिथुन को कई बार अप्रोच किया। फाइनली एक वो दिन आ ही गया जब मिथुन ने इस फिल्म को करने के लिए कुछ कंडीशंस रख दी। ये कंडीशन स्क्रिप्ट को लेकर थी, अपने रोल को लेकर थी, अपने को-स्टार को लेकर थी और फिल्म की शूटिंग की टाइमिंग्स को लेकर थी। इतनी सारी कंडीशंस रख दी मिथुन ने काम करने से पहले कि पहलाज नलानी को बुरा लग गया कि एक तो इतने टाइम से फॉलो अप ले रहे हैं और उसमें भी अब जब काम करने के लिए आए हैं तो इतनी सारी कंडीशंस रख दी। और जब कोई शख्स इतनी सारी शर्तें रखता है तो जाहिर सी बात है उसका सिग्नल ये है कि वो ये फिल्म कर नहीं पाएगा। लेकिन जैसा कि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर लोगों को डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, सीधे ना नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए घुमा फिरा के मतलब यही निकला कि मिथुन ने पहलाज नलानी को इंतजार करवा के फिल्म के लिए ना कर दिया। उस दिन पहलाज नलानी ने डिसाइड कर लिया था कि वो ऐसे एक्टर को कास्ट करेंगे जो मिथुन की टक्कर का हो, भले ही फिर वो फाइट सीन हो, इमोशनल सीन हो या फिर डांसिंग हो। पहलाज ने वो डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अब ऐसा एक्टर लाए कहां से? बट उस दिन पहलाज नलानी का लक काम कर गया। हुआ यूं कि जिस दिन पहलाज नलानी और मिथुन की इस बारे में बात हुई थी, उसी दिन तुरंत 1 घंटे बाद माधुरी के जो मैनेजर थे रिक्कू राकेश, वो पहलाज नलानी से मिलने आए, साथ में अपने एक लड़का लेकर आए। ठीक ठाक हाइट का था, गोरा था, बाल कर्ली थे। वो लड़का पहलाज नलानी को अपनी एक CD देने आया था जिसमें उसके डांस के वीडियोस थे। वो लड़का उनकी फिल्म में कोरियोग्राफर का काम मांगने आया था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि गोविंदा था। जी हाँ, तो ये थी पहलाज नलानी और गोविंदा की पहली मुलाकात। गोविंदा ने अपनी वो DVD जब पहलाज नलानी को दी तो गोविंदा के वो मूव्स देखकर पहलाज नलानी के होश उड़ गए कि लड़का जबरदस्त परफॉर्मर है और हैंडसम भी बहुत है। और मिथुन चक्रवर्ती पहलाज नलानी के दिमाग में उस दिन काफी थे।
गोविंदा का वो डांस और उनके लुक्स देखकर पहलाज निलानी के दिमाग में सबसे पहली बात आई वो यही कि ये लड़का मिथुन चक्रवर्ती को टक्कर दे सकता है। इस लड़के को मैं अपनी फिल्म में कोरियोग्राफर नहीं बल्कि लीड हीरो के रूप में लूंगा। और कुछ इस तरह से पहलाज निलानी ने ऑफर की फिल्म इल्जाम। जी हाँ, ये फिल्म इल्जाम ही थी जो ईयर 85 में पहलाज निलानी, मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बनाना चाहते थे। इनिशियली इस फिल्म का नाम रामपुरी रखा गया था, लेकिन गोविंदा की जिस तरह की पर्सनालिटी थी, उन्होंने सोच लिया कि इस फिल्म को बिल्कुल नए सिरे से बनाएंगे। पहले जब मिथुन को ये फिल्म ऑफर की थी तब ये एक्शन ओरिएंटेड फिल्म थी, लेकिन अब गोविंदा का डांस देखने के बाद और मिथुन को ये बताने के लिए कि तुम्हारे जितना बेहतर डांस कोई और भी कर सकता है, इस फिल्म को पूरे नए एंगल से प्लान किया गया। एक्शन के साथ साथ इसमें डांस भी रखा गया। गोविंदा के लिए एक स्पेशल सॉन्ग रखा गया जिसका नाम था स्ट्रीट डांसर, और इसी के तहत ये फिल्म बनाई गई। ये फिल्म गोविंदा के करियर की सुपर हिट फिल्म साबित हुई। हालांकि गोविंदा की पहली फिल्म लव 86 थी, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉपुलर हुई फिल्म इल्जाम, और गोविंदा का गाना स्ट्रीट डांसर भी सुपर हिट हुआ। और सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि इस फिल्म से पहलाज निलानी को एक इंसान में दो टैलेंट मिल गए, यानी कि गोविंदा ना सिर्फ डांस में अच्छे थे बल्कि एक्शन में भी उतने ही बेहतर थे। तो पहलाज को इस फिल्म के दौरान मिथुन की जरा भी याद नहीं आई और उन्हें इस बात का दुख भी नहीं हुआ कि क्यों मिथुन चक्रवर्ती ने उनकी ये फिल्म नहीं की। इल्जाम पहलाज और गोविंदा की सुपर हिट फिल्म रही। गोविंदा को इस फिल्म ने इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया। आगे जाकर पहलाज और गोविंदा ने काफी सारी हिट फिल्में दी, और ऐसे में इंडस्ट्री में कई लोगों ने माना कि हाँ, इंडस्ट्री को एक नया सुपर डांसर मिल गया है गोविंदा के रूप में। जिस तरह से मिथुन का क्रेज 80s में बोला था, उसी तरीके से लेट 80s से लेकर 90s तक गोविंदा का क्रेज बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त रहा कि टॉप के कमर्शियल रोमांटिक एक्टर्स भी उनके सामने पानी कम चाय थे। एक टाइम वो भी था जब अमिताभ के करियर को ऊपर लाने के लिए फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अमिताभ के साथ गोविंदा को कास्ट किया गया। तो ये है कहानी गोविंदा के इंडस्ट्री में आने की, और मिथुनदा की वजह से ही इंडस्ट्री में आया उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर डांस के मामले में। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और शानदार स्टोरी के साथ। देखते रहिए बॉलीवुड ठिकाना, लाइक करें हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।